प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बबीता जी, बोलिए बोलिए। हाय जिठा जी, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे कैसी बात कर रहे बबीता जी, आप मुझे कभी डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते। और एक दोस्त के फोन से दूसरा दोस्त अगर डिस्टर्ब हो जाए तो फिर वो दोस्त दोस्ती निभाने वाला दोस्त नहीं है, वो स्वार्थी दोस्त है। ओके। बोलिए बोलिए, कैसे याद किए नाचीज को? जेठा जी, सबसे पहले तो आप सुंदर भाई को मेरी तरफ से थैंक्स बोल दीजिएगा। क्यों? उन्होंने जो चनिया चोली भेजे है ना, वो बहुत सुंदर है। अच्छा अच्छा। अब जिठा जी, आप सुंदर भाई को बोल के ऐसे 4-5 चने चुले कोलकाता भिजवा सकते हो प्लीज? अरे उसमें सुंदर को बोलने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ से भेज देता हूँ ना। नहीं नहीं, मुझे यहाँ की नहीं, अहमदाबाद की चनिया चुली चाहिए। अहमदाबाद का चनिया चुली ही मेरे पास पड़े है, मैं यहाँ से भेज देता हूँ। आप बताइए, मुझे एड्रेस बताइए, कहाँ भेजने, अब भी भिजवा देता हूँ। ओके फाइन, एड्रेस मैं आपको SMS कर देती हूँ। ओके ठीक है, चलेगा। और बताइए, और कोई सेवा? जिठा जी, चने चुले के पैसे। बबीता जी, अभी आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखिए। नहीं नहीं जिठा जी, ये चने चुले के पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अरे बबीता जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं जिठा जी, आपको पैसे लेने पड़ेंगे। आप मुझे एड्रेस भेजिए, वो मैं ₹1000 के साथ समझ लूंगा, ठीक है? ओके फाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके बाय। अच्छा रख दिया, नहीं नहीं बारी रखता हूँ, अभी एड्रेस आएगा। नटू काका, अभी क्या फटाफट गोडाउन में आइए। ओहो आ गया, एड्रेस आ गया। बोलो क्या किया बबीता जी, एड्रेस इंग्लिश में भेज दिया। लेकिन मोबाइल में तो एड्रेस इंग्लिश में ही आएगा ना, इसमें बबीता जी का कसूर नहीं है, सारा कसूर ये मोबाइल का है। बोलिए बोलिए सेठ जी। हाँ नटू काका, ये बबीता जी ने एक एड्रेस भेजा है, ये एड्रेस पे 4-5 बढ़िया में बढ़िया चनिया चोली आप भेज दीजिए। जी कहाँ का एड्रेस है? पद्मपुकुर। पद्मपुकुर एड्रेस बबीता जी ने भेजा है क्या यार भाई ने? 1 मिनट प्लीज सेठ जी। सेठ जी, तो कोलकाता का एड्रेस है। हाँ वो बबीता जी ने ही भेजा है। भेज दो फटाफट चनिया चोली भेज दो। जी सेठ जी। हाँ सेठ जी, एक और SMS आया। आ तो पढ़ो, क्या है, किसका है? अरे सेठ जी, ये तो सुंदर भाई का SMS है। लिखते हैं कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी माय डियर जीजा जी, मतलब कि आपने मेरी मदद की इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जीजा जी। अरे यहाँ हमारी मदद कौन करेगा, हमें शुक्रिया बोलने का मौका कौन देगा? सेठ जी आप फिक्र मत कीजिए, हम किसी भी तरह ये चनिया चोली का माल बिकवा देंगे। पता नहीं ये सब माल कब बिकेगा। नटू काका, आज रात को भले देर हो जाए लेकिन कोशिश करना आज रात तक के चनिया चोली का फैसला हो जाए। डोंट वरी सेठ जी, बी पॉजिटिव, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, ये चनिया चोली का माल बिक ही जाएगा। हे अंबे माँ, इस मुसीबत के भंवर से अभी आप ही मेरी नैया पार लगा सकते हैं, लाज रखना माँ।
अभी टप्पू के पापा आ गए। बहुत थक गए हो? थक तो गया हूँ, उससे ज्यादा परेशान हो गया हूँ चनिया चली की वजह से। तो और किसकी वजह से? आप यहाँ परेशान हो और सुंदर वीरा वहाँ परेशान है। उसको क्या परेशानी है? उसको तो मैंने 8 लाख भेज दिए, वो तो फ्री हो गया ना। अभी चनिया चोली बिके ना बिके वो सब मेरा टेंशन है। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, सब बिक जाएगा। 8 लाख से शुरू हुआ है, धीरे धीरे सब बिक जाएगा। अरे टप्पू के पापा सुप सुप बोलिए, ये क्या बोल रहे हैं आप? सब बिक जाएगा मतलब चनिया चोली का सब माल बिक जाएगा ऐसा कह रही थी। या खाक बिक जाएगा, कोई आधा दाम दे रहा है तो कोई 6 महीने की उधारी मांग रहा है, और ऊपर से अगर नवरात्रि की सीजन चली गई तो हो जाएगा 8 लाख का चांदला। अरे नहीं नहीं, इतने अच्छे चनिया चोली है कैसे नहीं बिकेंगे? खरीदने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। मिल जाएंगे, अगर साइकिल पे मैं थैले भर भर के गली गली भटकूंगा तो ले लो अहमदाबाद के बढ़िया चनिया चोली, एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल ले लो। टप्पू के पापा आप ये कैसे महकी महकी बातें कर रहे हैं? तो क्या करूं, जब तक मुझे चनिया चोली के 8 लाख वापस नहीं मिल जाएंगे तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। दया देखिए आपके परेशान होने से परिस्थिति थोड़ी ना बदल जाएगी, और मेरी माँ हमेशा कहती है जो भी होगा अच्छा होगा, हमें हमेशा यही सोचकर जीना चाहिए। ये हमेशा तेरी माँ कहती है? हाँ तो फिर तो कृष्ण भगवान को भी माँ ने ही बताया होगा। नहीं हा? क्या कुछ नहीं भाई, लगता है आप सच में बहुत थक गए हो। आप हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, फिर शांति से सो जाइए, और अभी चनिया चोली के बारे में कुछ सोचना ही मत। अभी नहीं तो बाद में सोचना तो पड़ेगा दया, ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं। जेवा मरा नसीब। टप्पू के पापा अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने सोच लिया है कि क्या करना है। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। दया दया, पापा मम्मी तो गई। गई कहाँ गई? पता नहीं। अरे पता नहीं का क्या मतलब है? पता नहीं। अरे भाई बताना कहाँ गई है मम्मी? पापा मुझे सच में नहीं पता, मम्मी से इतना बोल के गई, कुछ अर्जेंट काम से बाहर जा रही हूँ। आप पर कहाँ? पता नहीं। दया भी ना, फोन तो जिंदगी में नहीं उठाएगी, पता नहीं फोन अपने साथ रखती क्यों है। पापा क्या काम क्या था मम्मी का आपको? चाय नाश्ता करना है? हाँ। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों तू बनाएगा चाय नाश्ता? हाँ। अरे पापा मम्मी आपके लिए चाय नाश्ता बनाकर गई है, और कहकर गई कि चाय नाश्ता करके ही दुकान जाना। आप पर गई कहाँ? पता नहीं। अरे भाई मैं तुझसे नहीं पूछ रहा हूँ, अपने आप से पूछ रहा हूँ। आपको पता है मम्मी कहाँ गई है? सॉरी टप्पी। हेलो हेलो मिस्टर जेठालाल। हाँ बोल रहा हूँ। मिस्टर जेठालाल मैं टोनी टीवी से पोला बोल रही हूँ। हाँ बोलो बोलो पोला बेन। इट्स पोला पोला है। एनीवे मिस्टर जेठालाल मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हमारे टोनी टीवी के एशिया रीजन के मैनेजर मिस्टर चिन चूली चाइना से मुंबई आए हुए हैं, और वो आपकी दुकान पर आकर आपकी दुकान और गोडाउन दोनों का इंस्पेक्शन करेंगे। ये टोनी टीवी वालों ने आजकल नया चालू किया है, क्या? सभी दुकानों में जाकर स्पेशल चेकिंग करते हैं।
क्यों? वो नवीन भाई की दुकान में डिस्प्ले पीस बराबर नहीं चल रहा था तो ये टोनी टीवी वालों ने उन्हें माल देना ही बंद कर दिया। बाप रे, गोडाउन में तो चनिया चोली के बॉक्स पड़े, इन्होंने देख लिया तो मेरी तो टोनी टीवी की एजेंसी चली जाएगी। हेलो हेलो मिस्टर जेठालाल। जी 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 बोलिए, सुन रहा हूँ। आप है ना दुकान पर? हाँ मैं दुकान पे ही हूँ, लेकिन एनी प्रॉब्लम्स? हाँ। क्या प्रॉब्लम है? वो मेरे चाइनीज बहुत कमजोर है, तो उनको हिंदी आती है? डोंट वरी, मैं भी उनके साथ वहाँ पर आ रही हूँ और मुझे चाइनीज और हिंदी दोनों ही आती हैं और हम एक डेढ़ घंटे में आपकी दुकान पे पहुँच जाएंगे। ठीक है। रे बाप रे, दुकान जल्दी भागना पड़ेगा। टप्पू मैं दुकान जा रहा हूँ, मम्मी का कुछ पता चला तो मुझे फोन करना, ठीक है? ओके पापा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अरे पापा, कहाँ दुकान पे फोन करो ना। अरे और कहाँ करेगा, मोबाइल पे। सॉरी सॉरी पापा, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे ये क्या, अरे पापा तो चाइना से किए बिगड़ ही चले गए। टेक बागा बॉय। हाँ लाइए ना टुका का, धीरे धीरे आराम से। ये चनिया चोली अच्छी तरह लगाने में आपने मेरी मदद की, उसके लिए थैंक यू। मेंशन नॉट प्लीज सेठानी जी, आप देखना ये सारे चनिया चोली सिंह चने की तरह बिक जाएंगे। हाँ थैंक यू, माता जी करे ऐसा ही हो। रिक्शा, अरे अरे रुको भाई, जब भी घाई होती है तभी रिक्शा नहीं मिलती है। भगवान मुझसे पहले टोनी टीवी वाले ना पहुंच जाए। नहीं ऐसा मत करना प्रभु। रिक्शा रिक्शा, रिक्शा रिक्शा रिक्शा, अरे ये रिक्शा 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 रिक्शा, हाँ रोको, अरे 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 रोको भाई। क्या साहब, ऐसे उड़ी मार के बैठने की क्या जरूरत थी? अरे भाई क्या करूँ, कब से हाथ दिखा रहा हूँ, कोई रिक्शा रुकने को तैयार ही नहीं है, इसीलिए ये सब सर्कस करना पड़ा। चलो 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 चलो। वाव, बहुत बढ़िया कलेक्शन है, कम से कम दो चनिया चोली तो मैं ले ही लूंगी आपके शॉप से। दो नहीं तीन लीजिए, क्योंकि तीन चनिया चोली के साथ एक चनिया चोली फ्री है। फ्री? वाव। हाँ, और अब कोई भी चनिया चोली लो, भाव फिक्स है, 1200 रुपए। और ये भाव में इतने अच्छे चनिया चोली आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मतलब अगर मैं 6 चनिया चोली लेती हूँ तो 2 तो फ्री है, यानी कि मेरी 8 चनिया चोली हो गई। ओह, तो फिर मैं 8 चनिया चोली पसंद कर ही लेती हूँ। चलिए सेठानी जी, शुरुआत अच्छी हुई। दुकान के बाहर इतने सारे चनिया चोली क्यों लगाए? सेठ जी, लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम लोग नवरात्रि में स्पेशल डिस्काउंट में चनिया चोली बेच रहे हैं। अरे पर किसने बोला हम लोग नवरात्रि में स्पेशल डिस्काउंट पे चनिया चोली बेच रहे हैं? वो मैं नहीं बताऊंगा, अंदर चलिए, खुद जान जाइए। आइए। दया तू यहाँ? हाँ। ये सब चनिया चोली तुमने लगवाए? हाँ।
क्यों? सेठ जी, सेठानी जी का आइडिया एकदम बढ़िया है। देखना धीरे धीरे सारे चनिया चोली बिक जाएंगे। अरे चनिया चोली के साथ हमारी दुकान भी बिक जाएगी। अरे टुप्पू के पापा, ये आप क्या बोल रहे हैं? कल रात को जब आप घर पर आए और मुझे आपने सब बात बताई तो मुझसे आपकी परेशानी देखी रह गई, इसलिए मैंने आपका टेंशन कम करने के लिए ये आइडिया दौड़ाया। दया, तूने मेरा टेंशन कम नहीं किया है, तूने मेरा टेंशन बढ़ा दिया है। कैसे? अरे चाइना से टोनी टीवी के ओरिजिनल मैनेजर चेकिंग पर आ रहे हैं हमारी दुकान में। ओरिजिनल मैनेजर? सेठ जी, ये टोनी टीवी वाले डुप्लीकेट मैनेजर भी रखते हैं? मागा सेठ जी टोनी टीवी के रीजनल मैनेजर की बात कर रहे हैं, है ना सेठ जी? अरे हाँ भाई, वो कभी भी पहुंच सकते हैं यहाँ पे। अरे बाप रे सेठ जी, वो टोनी टीवी वाले डिस्प्ले में अपने टीवी की जगह अगर ये चनिया चोली देखेंगे तो हमारी डीलरशिप कैंसिल कर देंगे। तो हाँ बागा, बिल्कुल ठीक कह रहा है सेठ जी। अरे ठीक कह रहा है तो कौन से मुहूर्त की राह देख रहे हो? फटाफट सारे चनिया चोली निकालो यहाँ से जल्दी, और ये सब कस्टमर लोग को भगाओ यहाँ से, भगाओ। हाँ। लेकिन टप्पू के पापा वो लोग खरीदी कर रहे हैं। तो उनको बोलो नहीं बेचना है हमको कोई चनिया चली, निकलो यहाँ से, चलो चलो जल्दी। सेठ जी, इसमें अपनी गड़ाई इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम भी खराब हो सकता है। दया, ये तूने क्या नई मुसीबत खड़ी कर दी मेरे लिए। सॉरी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। ये रखिए, ये अच्छी लगे, पैक कर दूँ? हाँ कर दीजिए ये पैक। थैंक यू। नटू काका, जैसे ये लोग यहाँ से जाए सारे चनिया चोली नीचे उतार देना, मुझे सिर्फ टोनी टीवी दिखाई देने चाहिए, समझे? जी। वाकई आपकी दुकान में चनिया चोली बहुत अच्छी है, मैं और लोगों को भी भेजूंगी आपके दुकान में। थैंक यू। और यहाँ पे तो पहले इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकान हुआ करती थी ना? अरे थी नहीं भाई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकान ही है, वो चनिया चोली हटा के देखो पीछे सब टीवी लगे। ये टीवी, ये चनिया चोली, क्या है ये सब? भाई साहब आप खरीद लीजिए ना। हाँ तो फिर इसको पैक करवा दीजिए। हाँ। अरे रूपा दी, कितने प्यारे चनिया चोली है ना, देख देख रूपा कितने कलर। वेरी गुड। बहन जी माफ करना, बाद में आना। बाद में आना क्यों? दुकान बंद करने का टाइम है ना, इसके लिए बोल रहा हूँ, बाद में आना जब प्लीज। दिन में दुकान बंद रखोगे तो धंधा कब करोगे? ग्राहक है ना भगवान होते, उनको कभी वापस नहीं भेजते। ठीक है तो जल्दी फटाफट फटाफट देख लीजिए जल्दी। फटाफट का क्या मतलब है? कपड़े ले रहे, टाइम तो लगेगा ना। दया दया, जरा इनको जरा फटाफट जरा चने चोली दिखाना जरा। आई 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 आई। बहन जी उधर उधर जाइए, बुला रहे हैं। जल्दी ये देखिए, ये सभी प्रकार के हैं, ये भी देखिए आपको पसंद आएंगे। क्या मुसीबत है, ये टोनी टीवी वाले आ गए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे बाघा तू खड़ा क्या है, जो बाहर लटक रहे चनिया चोली वो तो कम से कम उतार, वरना उसको देख के और ग्राहक अंदर आ जाएंगे। जी सेठ जी, जी देख आइए बैठ जाइए। अरे इसको तो अचानक चढ़ी है अभी चनिया चोली बेचने की, बोलो। वाओ शेखर, कितने ब्यूटीफुल चनिया चोली है यहाँ पर। आइए बैठ जी। नटू काका, लोग तो आते ही जा रहे, क्या करे? सेठ जी हम एक काम करते हैं, बाघा को दुकान के बाहर खड़ा कर देते हैं, कोई भी चलिया चोली लेने आएगा उसे बाघा बाहर से ही वापस भेज देगा। बराबर, बाघा जा 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 जा। जी सेठ जी, अभी क्या है?
मित्रों, कोई भी भारतीय स्त्री, कोई भी भारतीय गृहिणी यदि उसे ये पता चल जाए कि पति पे मुसीबत आई है तो फिर वो चुप नहीं रह सकती। अब देखिए ना, दया भाभी भी दुकान पे पहुंच गई है चनिया चोली बेचने के लिए। लेकिन आप हम गोकुलधाम वालों की किस्मत तो जानते हैं, अगर हम हलवा बनाने के लिए जाएंगे तो उपमा बनेगा। अब देखिए ना, दुकान पे टोनी टीवी वाले आ चुके हैं, अब क्या करेंगे वो? क्या वो टोनी टीवी की डीलरशिप कैंसिल कर देंगे? क्या होगा जेठालाल का? क्या होगा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का? कुछ भी हो सकता है। दया भाभी बड़ी मुस्तैदी से पहुंच तो गई है कि जेठालाल की इस व्यापार की नाव को वो मुसीबतों के समंदर से पार लगा देंगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो पाएगा या फिर ये नाव मझधार में डूब जाएगी? कुछ भी हो, लेकिन आप हंसी के समंदर में गोते खाएंगे। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।